गलवान घाटी में ड्रैगन की खूनी साजिशों का हो चुका है खुलासा। अमेरिकी संसद की कमेटी की रिपोर्ट से ये साफ हो गया है कि गलवान में झड़प की साजिश जिनपिंग सरकार ने रची थी। साक्ष्य से साफ है कि भारतीय सैनिकों की शहादत के पीछे चीन सरकार की साजिश थी। एलएसी पर चीन ने उकसावे वाले कदम उठाए हैं। जिनपिंग की चाल का सबसे बड़ा सबूत चीन ने रची थी गलवान में खूनी साजिश। यूएससीसी की रिपोर्ट से बेनकाब हुआ चीन। यूएससीसी यानी अमेरिका चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग की रिपोर्ट में गलवान घाटी में चीन की करतूत का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साक्ष्य ये बताते हैं कि चीन सरकार ने इस हमले की साजिश रची थी। इसमें सैनिकों की हत्या भी शामिल थी। चीनी सेना के हमले का मकसद अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ जोर जबरदस्ती अभियान में तेजी लाना था और इसी साजिश के तहत चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी में रात के अंधेरे में भारतीय सैनिकों पर हमला किया जिसमें 20 सैनिक शहीद हो गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन सरकार ने एलएसी पर जानबूझकर उकसावे वाले कदम उठाए। इसके पीछे उसका मकसद सीमा के इलाकों में रणनीतिक सड़क बनाना है। गलवान हिंसा से कुछ हफ्ते पहले ही चीन के रक्षा मंत्री ने अपने जवानों को युद्ध के लिए उकसाया था। गलवान हिंसा से कुछ हफ्ते पहले सैटेलाइट तस्वीरों में भी साफ दिखा कि चीन ने 1000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया था। एलएसी पर चीनी सेना ने टेंट लगा दिए थे। भारत ने चीन की अतिक्रमणकारी हरकतों का विरोध किया जिसके बाद गलवान घाटी में चीन ने हिंसा की साजिश रची। 15-16 जून की रात में गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी जिसमें कर्नल समेत 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। जवाबी कार्रवाई में भारत ने चीन के 40 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतारा था। अभी तक चीन अपनी कायराना हरकत पर पर्दा डालता रहा लेकिन अब वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। अगर भारत की चौकसी के सामने अब उसकी नहीं चलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूर्वी लद्दाख में भारतीय शूरवीरों का मुकाबला करने उतरा ड्रैगन अपनी मौत मर रहा है। चीन पर बर्फीली मौत का कहर टूट रहा है। हालात यह है कि चीनी सैनिक फॉरवर्ड पोस्ट पर सरेंडर करने को मजबूर हैं और वो 24 घंटे भी फॉरवर्ड पोस्ट पर नहीं टिक पा रहे हैं। ये हाल तब है जब पारा -20 डिग्री है। जब पारा 40 डिग्री तक गिरेगा तब चीन की बर्फीली कब्र बनेगी। लद्दाख में चीन की बर्फीली मौत, ड्रैगन पर -20 डिग्री का कहर, फॉरवर्ड पोस्ट पर चीन का सरेंडर। पूर्वी लद्दाख में दिनों पारा -20 डिग्री तक गिर चुका है। कड़ाके की ठंड और बर्फीली चोटियों की चुभन चीनी सैनिक नहीं झेल पा रहे हैं। पूर्वी लद्दाख की फॉरवर्ड पोस्ट जहां इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है, ये बर्फ चीनी सैनिकों पर मौत बनकर टूट रही है। चीनी सैनिक कभी दिसंबर में फॉरवर्ड पोस्ट में नहीं रहे लेकिन इस बार चीन ने भारत को आंख दिखाने के लिए 60,000 फौजी जवान इकट्ठा तो कर लिए पर यह भूल उसके लिए भारी पड़ रही है। फॉरवर्ड पोस्ट पर चीनी सैनिक 24 घंटे भी नहीं टिक पा रहे हैं। जिनपिंग ने अपने सैनिकों को जंग जीतने का सपना दिखाकर लद्दाख भेजा था लेकिन भारत की सेना का नाम सुनकर ही चीन के सैनिक रो रहे थे। अब चीनी सेना के कुछ और वीडियो सामने आए हैं जिसमें कई चीनी सैनिकों के चेहरे की खाल तक निकल चुकी है। मौसम की मार से बचने के लिए कई चीनी सैनिक लिपस्टिक और बाम लगाते भी दिख चुके हैं। बर्फीले तूफानों और कड़ाके की ठंड ने ऐसा कहर बरपाया है कि चीन के सैनिक लड़ना तो दूर वहां टिक तक नहीं पा रहे हैं। यह हाल तब है जब अभी टेम्परेचर -20 डिग्री ही है। जनवरी में जब लद्दाख में पारा -40 डिग्री तक गिरेगा तब तो ड्रैगन की बर्फीली खबर बनना तय है। दरअसल चीनी सैनिक सर्दियों में इतनी ऊंचाई पर रहने को अभ्यस्त नहीं है जबकि भारतीय सैनिक यहां लंबे समय तक टिके रहते हैं। यही वजह है कि अब जिनपिंग सरकार बातचीत की टेबल पर है लेकिन वो साजिशों से बाज नहीं आ रही।
पेंगोंग लेक की ऊंची चोटियों पर भारतीय कमांडो जमे हैं और चीन की हालत ऐसी है कि वो फॉरवर्ड पोस्ट तक में टिक नहीं पा रहा। जाहिर है जिनपिंग की जिद चीनी सैनिकों पर ही भारी पड़ रही है। मौसम के आगे ही उसकी सेना ने सरेंडर कर दिया है। जंग तो उसके बूते की बात है ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीमा पर इमरान के आतंकी अब सुरंग में ही बेमौत मरेंगे। बीएसएफ ने सुरंग वाली साजिश का बड़ा खुलासा किया है। नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए आतंकी इसी सुरंग से घुसे थे। आतंकियों की मोबाइल लोकेशन के जरिए इस सुरंग का पता चला है। बीएसएफ ने अब आतंकी सुरंग को करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है। कश्मीर घाटी में आतंकी फसल उगाने की इमरान बाजवा की हर कोशिश हमारी बहादुर सेना नाकाम कर रही है। बीएसएफ के मुस्तैदी के चलते आतंकी अपनी साजिश में नाकाम हो रहे हैं। हताश परेशान पाकिस्तानी सेना अब आतंकियों को कश्मीर में दाखिल कराने के लिए सुरंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इन सुरंगों में ही उनकी कब्र बनाने की तैयारी कर ली गई है। नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए चार आतंकी भी सुरंग के जरिए ही दाखिल हुए थे। आतंकियों की मोबाइल लोकेशन के जरिए सांबा सेक्टर में सुरंग का खुलासा बीएसएफ ने किया था। बीएसएफ के डीजी के मुताबिक भारतीय सेना के जवान सुरंग के जरिए पाकिस्तान की ओर 200 मीटर अंदर तक गए थे। इस सुरंग की एंट्री पॉइंट पर पाकिस्तान की एक पोस्ट थी जहां से आतंकियों की घुसपैठ कराई गई थी। सांबा सेक्टर में 22 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास घुसपैठ के लिए इस्तेमाल की गई सुरंग का पता लगाया था। सुरक्षा बलों को मारे गए आतंकियों के पास से मोबाइल फोन मिला था जिससे सुरंग के बारे में पता चल सका था। बीएसएफ ने नगरोटा एनकाउंटर के बाद इस सुरंग का पता लगाया था, लेकिन अब इमरान की आतंकी ब्रिगेड को बीएसएफ ने दो टूक बता दिया है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वहीं अंत तय है। हम सीमा प्रहरी पूर्ण निष्ठा के साथ देशवासियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को की सभी कोशिशों को नाकाम करने में यह बल दिन रात सीमाओं पर पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है। आतंकी इसी सुरंग के माध्यम से सांबा सेक्टर में घुसपैठ की योजना बनाए हुए थे। राकेश अस्थाना ने ये बात बीएसएफ के स्थापना दिवस के मौके पर कही। सुरंग बनाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से हाई स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया था। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आरएसएस से जुड़ा स्वदेशी जागरण मंच ने भी किसानों के आंदोलन के समर्थन में आगे वो आया है। स्वदेशी जागरण मंच ने सरकार से 5 बिंदुओं पर सुधार की मांग की है और कहा है कि एमएसपी को कानून बनाया जाए। दिल्ली में किसानों की घेराबंदी जारी है। दिल्ली सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में कल सरकार के साथ होने वाली मीटिंग की रणनीति पर चर्चा की गई। किसान नेताओं ने सरकार की कमेटी बनाने वाली मांग को सिरे से खारिज कर दिया। सरकार के साथ होने वाली बैठक में 35 किसान नेता शामिल होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश द्विवेदी के साथ हर्ष अदनवानी, जी मीडिया। ये तस्वीरें हैं दिल्ली बॉर्डर की। किसानों ने चारों तरफ से राजधानी की घेराबंदी कर रखी है। हर तरफ चक्का जाम है। किसान संगठनों की एक ही मांग है, तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। किसानों का कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक वो बॉर्डर से नहीं हटेंगे। हरियाणा पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच भी जारी है। गुरुवार को होने वाली वार्ता में 35 किसान नेता शामिल होंगे। बैठक पर चर्चा के लिए सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने आपस में वार्ता की और आगे की रणनीति पर चर्चा की और अपनी मांगों की लिस्ट तैयार की। किसानों के नाकेबंदी के चलते दिल्ली वालों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ा। दोपहर बाद किसानों ने नोएडा दिल्ली बॉर्डर का एक साइड खोल दिया। क्या आप कितने देर से इंतजार कर रहे थे? बहुत टाइम हो गया, पूरा 3-4 घंटे हो गए। रास्ता खुलने से राहत है? रास्ता खुले नहीं था, अब खुल गया तो राहत है। आपको राहत है? रास्ता खुल जाएगा तो राहत। रास्ता खुला, धीरे धीरे गाड़ियाँ, चूँकि अब इक्के दुक्के गाड़ियाँ आनी शुरू हुई, हो सकता है अक्षरधाम के आसपास भी रुका हुआ है ट्रैफिक, अब धीरे धीरे चूँकि रास्ता चलना शुरू होगा। किसानों का कहना था कि लोगों की सहूलियत के लिए उन्होंने बॉर्डर खोलने का फैसला लिया है, लेकिन प्रदर्शन जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि सरकार से एमएसपी से नीचे कोई बात नहीं होगी। इसे कम पे खरीदना हो ये हमारा एक बड़ा सवाल है, और
जो किसानों को मुकदमा अगर लड़ना है किसी कंपनी के खिलाफ तो कोर्ट में भी जा सके। आश्वासन कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो भी है लिखित में तो इन पर बात करेंगे। आज आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी किसानों के आंदोलन का समर्थन देने बॉर्डर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो नेता नहीं बल्कि किसानों का सेवक बनकर आए हैं। हालांकि कांग्रेस नेता ट्विटर पर ही राजनीति करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार को घेरने के लिए चंडीगढ़ में भी किसानों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दोपहर को सीएम खट्टर के आवास का घेराव किया। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। किसानों की घेराबंदी जारी है। एमपी राजस्थान से भी किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि वो हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत से ही विवाद का हल निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता दें, पश्चिम उत्तर प्रदेश की खाप पंचायत का बड़ा फैसला। शामली में हुई खाप पंचायत ने प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान किया। खाप पंचायत ने कहा कल की मीटिंग सफल नहीं हुई तो खाप से जुड़े लोग दिल्ली जाएंगे। योगी के मिशन फिल्म सिटी से शिवसेना को लगी मिर्ची। उद्धव ठाकरे ने कहा मुंबई से फिल्म सिटी को लेकर जाने की कोशिश मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मंगलवार को योगी आदित्यनाथ अक्षय कुमार से मिले थे और आज उन्होंने उद्योगपतियों से मुलाकात की जिससे तिलमिला गई है शिवसेना। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की पहचान बॉलीवुड से है। यहाँ सालाना अरबों रुपए का कारोबार होता है, लेकिन जब से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का फैसला लिया है, मुंबई में हड़कंप मचा है। मिशन फिल्म सिटी के लिए योगी मंगलवार को मुंबई पहुंचे। उन्होंने फिल्म स्टार अक्षय कुमार, कैलाश खेर और बोनी कपूर जैसे तमाम फिल्मकारों से मुलाकात की। उन्होंने फिल्मी हस्तियों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया तो सियासत गर्म हो गई। कुछ लोग आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, कुछ आपसे भी मिलेंगे, अरे भाई साहब हमारे यहाँ भी आ जाओ, लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहां उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। योगी का मिशन महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ही नहीं, राज ठाकरे को भी रास नहीं आ रहा। एमएनएस ने सीएम योगी के होटल के बाहर पोस्टर लगा दिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि फिल्म सिटी को मुंबई जैसी सुविधाएं कहीं नहीं मिल सकती। फिल्म इंडस्ट्री का माहौल है, मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार का बाहर के राज्य में कितना भी कोई प्रयास करे तो यहां पे जो सुविधा है फिल्म इंडस्ट्री को, उतनी सुविधा बाहर के राज्य कोई दे सकता है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता ने भी सीएम योगी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी में भोजपुरी इंडस्ट्री है, उसे ही ठीक से चलाएं, मुंबई का बॉलीवुड यहीं रहेगा। बहुत बड़ी भोजपुरी फिल्म की इंडस्ट्री है, अगर अच्छे से काम करेंगे तो निश्चित रूप से इंडस्ट्री चलेगी। इससे पहले आंध्र प्रदेश में भी फिल्म सिटी बनी, अलग अलग राज्यों ने प्रयास किया, उनका अधिकार है करें, लेकिन बॉलीवुड का दर्जा जो है वो बना रहेगा, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। यूपी सरकार ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाने जा रही है। इसके डीपीआर के लिए एजेंसी की खोज की जा रही है। 3 महीने में एजेंसी को डीपीआर बनाकर देना होगा। फिल्म सिटी सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिल्म सिटी को लेकर जो सियासत हो रही है उस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो मुंबई की फिल्म सिटी उठा करके नहीं ले जा रहे। फिल्मी हस्तियों को जहां सुविधाएं मिलेंगी वो वहां पर काम करेंगे। तमाम एक्टर और प्रोड्यूसर्स ने भी योगी आदित्यनाथ के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। मिशन फिल्म सिटी के मकसद से मुंबई पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने फिल्मी हस्तियों के साथ कई उद्योगपतियों से भी मुलाकात की। फिल्म सिटी को लेकर उन्होंने कहा कि 1,000 एकड़ में फिल्म सिटी का निर्माण कर रहे हैं। ये फिल्म सिटी दिल्ली से आधे घंटे की दूरी पर होगी। ये फिल्म सिटी हम लोग NCR में नोएडा के पास यमुना अथॉरिटी में बना रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण
हम लोग जेवर में करने जा रहे हैं और उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हम लोग इस नई फिल्म सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। और जो रुचि वहां पर दिखाई है फिल्म जगत की हस्तियों ने, वह बहुत एक अच्छा साइन है। फिल्म सिटी को लेकर शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार की राजनीति पर योगी ने कहा कि कोई किसी को लेकर नहीं जाता, ये सुरक्षा और सुविधाएं देगा, यहाँ भेदभाव नहीं होगा, वहाँ कोई भी जाएगा और काम करेगा। सुविधा के माध्यम से किस प्रकार का मॉडल हम वहाँ पे खड़ा करें कि हम उसको केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए ना बना करके एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी के रूप में डेवलप कर सकें। किसी के निवेश को झटक रहे हैं न किसी के विकास को बाधित कर रहे हैं। निवेशकों को आकर्षित करने ये कोई पिक एंड चूज नहीं है, सरकार ने अपनी सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई हैं। जाहिर है बॉलीवुड पर किसी का कब्जा नहीं है, इंडस्ट्री के लिए अच्छा माहौल मिलेगा, वहीं पर निवेश होगा। योगी के नोएडा में फिल्म सिटी बनाने से किसी को भी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। शिवसेना की सियासत समझ से परे है, दूसरे राज्यों में भी फिल्म सिटी है। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने भी शिवसेना पर हमला बोला है। जिस तरह के बयान वो लोग दे रहे हैं उससे ये साफ है कि वो दबाव बना रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर, निर्माताओं पर, जो वहां के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास है कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड का कि हम यहां से जाने नहीं देंगे, कोई ले नहीं जा सकता। नोएडा में वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनने से दिल्ली और उत्तर भारत के कलाकारों को फायदा होगा, उन्हें मुंबई जाकर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बेहतर सुविधाएं मिलने से लोग नोएडा में काम करेंगे, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को झटका लगना तय है। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर बता दें आपको, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, राजनीतिक और सामाजिक प्रदर्शन के दौरान दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। दिसंबर 2019 से पहले दर्ज सभी केस वापस होंगे, जाति के नाम पर रखी गई कॉलोनियों के नाम भी बदलेंगे। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।